हेलो फ्रेंड्स, राहुल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गजेरा एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मंडे टू फ्राइडे हमारा सेशन चलता है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स जनरल साइंस के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि आपकी गत वर्ष की परीक्षा से लिए जाते हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही मस्ट मोस्टेड क्लास सेशन होता है फ्रेंड्स। ये डेली आपका 10 बजे होता है फ्रेंड्स, मंडे टू फ्राइडे, और ये आपका जो सेशन है वो सेशन नंबर 7 है। ठीक है फ्रेंड, तो जो आपके जो पीछे सेशन बीत गए हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो जाके आप प्लेलिस्ट में या फिर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि हमारा सेशन कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है, यानी कि फ्रेंड हमें बताना है कि जो सॉलिड हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हाइपो, बेरोक्स, फटकरी या फिर आपका शुष्क बर्फ। यानी कि फ्रेंड्स हमको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आपकी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शुष्क बर्फ के नाम से इसमें जाना जाता है फ्रेंड्स। तो यही आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही फ्रेंड्स हमारी जो है आइसक्रीम जमाने में यूज की जाती है फ्रेंड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड? ये जो आपको क्वेश्चन लेने का जो अभिप्राय लिया गया है फ्रेंड, ये लिया गया है कि ताकि आपको बैलेंस ही सही तरीके से ज्ञात हो सके फ्रेंड। जैसे आप सभी को पता है कि क्लोरोफॉर्म का जो होता है फॉर्मूला वो होता है हमारा CH Cl3 फ्रेंड। ठीक है, लेकिन ये आपको जो लिया गया है यहाँ पे, इसलिए गया है मोस्टली कार्बन के लिए। कार्बन जो है अपनी 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा कर लेता है, जो हमारा लेता है एक H से, बाकी Cl से लेता है फ्रेंड। ठीक है, इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न सी गैस लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करता है, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो NO2 करके इसको नोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आपका ऑप्शन होगा वो नाइट्रस ऑक्साइड होगा, और हिंदी में जो आपको कन्फ्यूज हो जाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी कुछ लोग जो स्टूडेंट वो कर देते हैं, जो इसका होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यानी NO2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चालक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चालक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जिसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे पॉजिटिव और निगेटिव, तभी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें जो हमारी प्रवाहित हो पाएगी। बेन फ्रेंड हमारे रबड़ में भी नहीं हो पाएगी, और इसमें जो प्योर वाटर होता है उसमें भी नहीं हो पाएगी, बेंजीन में नहीं हो पाएगी। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो पॉजिटिव और निगेटिव, वो वहाँ पर हमारे मिलेंगे फ्रेंड्स सॉल्ट वाटर में। ठीक है, इसका इसलिए इसका करेक्ट डिस्कस करते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रवाही चालक किस संबंधित है, यानी कि जो हमारा बताना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक प्रभावित जो हमारा कंडेंसर होता है कंडक्टर, वो किससे प्रेरित है। तो फ्रेंड्स वो होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तार के संदर्भ में, तार प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश रेलवे जेई में और अधिकांश रेलवे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सत्य यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन अधिकांश रेलवे पूछ रहा है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कि तार यानी जो तार है हमारा, वायर है, वो पदार्थ पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, हमको बताना क्या है फ्रेंड्स, ये नॉट करेक्ट बताना है, यानी मैं कौन सा सही नहीं है। तार जो प्रतिरोध है हमारा, तार की लंबाई पर अनुपात है, तो बिल्कुल सही बात है। तार अनुप्रस्थ काट के, सॉरी, जो हमारा जो प्रतिरोध है वो तार के अनुप्रस्थ काट के समानुपाती होता है। इंडिविजुअली प्रोपोर्शनल होता है फ्रेंड। ठीक है, ताप बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है, बिल्कुल ये सही बात है आपका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? ये हमको बताना है कि बैटरी की जो खोज करी थी वो किसने करी थी फ्रेंड्स। तो ये आपको वोल्ट करके याद रखना है कि जो बैटरी की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, वोल्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि इसमें भी हमें बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड हम देख लेते हैं, रेडियम रेडॉन के 6 से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है।
हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, ये भी सही बात है फ्रेंड्स। दुर्बल तुम्हारे दुर्बल देखिए फ्रेंड्स, जो दुर्बल हमारी जो गैसें होती है उनमें जीरोन सबसे प्रतिक्रियाशील है, ये भी सही बात है। वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्बल गैस होती है, बिल्कुल दे रखा है, रेनॉल है ये, आपको करेक्ट है। अगर आपको इसकी जगह कुछ और होता तो ये आपको शायद सही होता, लेकिन आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। हमें बताना है कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन आपके RRB अभी जो CBT 2 हुआ है जेई का, RRB जेई का जो CBT 2 हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं फ्रेंड्स, इस आपको नोट कर लेना है। और ग्रुप डी और NTPC में भी मोस्टली इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जितने भी आपके केमिकल फॉर्मूले हैं वो आपको रट लेने हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी अच्छे से याद कर लेना। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, इस क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है नाइट्रेट जो होता है फ्रेंड्स हमारा, उसको हम NO3 से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं NO3 किस में, लगभग ये ऑप्शन में नहीं है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन हमारी करेंगी हमारे किस में करेंगे, तो फ्रेंड इसकी जो पावर है वो भी नहीं कर पा रही है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रक्षेपी गति में क्षैतिज सतह से के साथ बाह्य कोण कौन बनाता है फ्रेंड्स, यानी कि हमें बताना है कि यानी कि एक हमारा वक्र है और यहाँ से हमें ये लिया गया, तो इस तरीके से कोई प्रक्षेप हमारा किया है, तो यहाँ से जो हाई पॉइंट होगा ये बताना है फ्रेंड्स, ये क्या बनाता है। तो इसमें बता देंगे फ्रेंड्स हमको ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, उच्च प्रक्षेपक, ठीक है याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है फ्रेंड्स डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब अपने। निम्नलिखित में घर्षण बल को कम करता है, कौन करता है फ्रेंड्स, यानी कि अगर किसी में भी फ्रैक्शन हो रहा है तो वो हम उस फ्रैक्शन को कैसे कम कर सकते हैं फ्रेंड्स, चिकनी सतह की चिकनाहट करके, बिल्कुल सही बात है, स्नेहन का उपयोग करके, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, और निम्न स्कर्पी क्षेत्र करके, ये भी सही बात है फ्रेंड्स, यानी कि हम किसी भी अगर हम कोई को जैसे कोई गाड़ी होती है अगर वो चल रही है या कोई आपकी जो कोई मूविंग पार्ट है अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो हमेशा के लिए चलती रहेगी, रुकेगी नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। उसको हम ऐसा नहीं कि अगर हम उसमें ज़्यादा घर्षण होगा तो वो चलेगी ही नहीं फिर, तो हमें उसे चलाने के रखने के लिए हमें फ्रिक्शन को कम करना है, तो वो कम करने के लिए हमारा जो यूज़ किया जाता है वो इनमें से ये सब किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में क्या वोल्ट सॉरी यानी कि फिर इसमें हम ये बताना है कि निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स हम जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें हम जो होते हैं उसकी पावर यानी कि उसे किस तरीके से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें हमें बताना है कि तो हमारा वोल्टेज होता है कि कितने वाट का हमारा बल्ब आ रहा है, ठीक है, और कितनी वो क्षमता का यानी कि कितनी वो हमारी पावर लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे दोनों के दोनों पावर एंड वोल्टेज को डिनोट करके इसमें हमें बताया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करिएगा। कण प्रकीर्ण प्रयोग के आकार में के संदर्भ में किया था, यानी कि हमको इनमें ये बताना है फ्रेंड्स कि जो रदरफोर्ड ने जो हमारा प्रकीर्ण यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके संदर्भ में किया था। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि रदरफोर्ड को जो जाना जाता है वो नाभिक के यानी कि न्यूक्लियर का फादर माना जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपका जो स्लाइड है फ्रेंड्स ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसमें जो आपका जो बताया गया है कि सारे ही क्वेश्चन इसमें मोस्ट होते हैं वैसे तो, लेकिन ये स्लाइड आपकी वेरी वेरी मोस्ट की स्लाइड है फ्रेंड्स, तो स्किप ना करिएगा, वीडियो सेशन का पूरा देखिएगा फ्रेंड इस स्लाइड को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सेब में पाया जाता है, यानी कि हमें बताना है कि जो सेब होता है उसमें जो एसिड होता है वो कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स मौलिक करके आपको याद, नेक्स्ट है हमारा कि टमाटो में जो एसिड होता है वो कौन कौन सा एसिड पाया जाता है। तो फ्रेंड याद रखिएगा टमाटो में ओ आता है, टोमोटो, ठीक है, तो हमको याद रखना है ऑक्सैलिक, क्या याद रखना है फ्रेंड्स, ऑक्सैलिक एसिड,
ऑक्सैलिक, यानी कि इस ओ से आपको ये मैच कर देना है। ये आपको ट्रिक है, आपको याद रखनी, मैंने भी इस तरीके से याद रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरीके से याद रखना है, आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, मैं तो नहीं भूल पाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नींबू में उपस्थित अम्ल को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जितने भी आपको खट्टे होते हैं, जितने भी आपके खट्टी चीज़ें होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसमें आप वो जो होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? कम। ठीक है, आपको याद रखना है। और विटामिन सी इसमें पाया जाता है, ये आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, होती है उसमें विटामिन सी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है? विटामिन सी होता है, तो सी से आप इसे सेट्रिक भी कर सकते हैं, सेट्रिक अम्ल। ठीक है, यहाँ से ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसिटिक अम्ल, यानी कि जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है उसे क्या कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है। तो फ्रेंड इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है सिरका, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये भी आपका RRB अधिकांश पूछ सकती है फ्रेंड्स, ये आपका पिछले एग्जाम में भी आपका जो LP का हुआ एग्जाम हुआ था इसमें ये पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये भी आपका बहुत एसिड यूज किया जाता है, वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स? इसको मैं आपको बता दूं कि जो आपका यूज़ किया जाता है, ये आपका फ्रूटली होता है फ्रेंड्स। जो आपको अब देखा होगा कहीं भी आपने प्रयोगशाला करी होगी, तो आपका फ्रूटली, यानी कि इसमें फ्रूट जैसी उस स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? फ्रूट जैसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैथिल सिलिटेट करके आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको दवाई की में जो मिलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम अपना कि यदि किसी विलयन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, तो जैसा कि आपने प्रयोगशाला में कभी किया होगा कि कोई हमें एक पुड़िया में दे देते हैं, अपने जगह याद हो आपको, एक पुड़िया दे देते थे, इसमें आपको ये डाली, तो उसमें आपको पहचान करके बतानी थी ये जो था हमने दिया था ये डालने पे ऐसे उसका रंग कैसा हुआ, और जो दिया था फ्रेंड्स वो क्या था। यानी कि वही सेम टू सेम वही चीज़ है कि फ्रेंड्स हमको एक पुड़िया में आपको वो दिया गया सॉल्ट, और उसमें आपको बताया गया कि आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए कि उसका रंग क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो आपको दिए जो दिया गया था वो क्या दिया गया था फ्रेंड्स? ऐसा करने पे हमें जो पता चलता है वो था हमारे पास क्या फ्रेंड्स? शुगर दिया गया था। यानी कि अगर हम शुगर में आपको सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे तो उसका जो कलर होगा वो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपना। फ्रेंड इस स्लाइड में भी आपको जो है अधिकांश, जो इस सेशन में आपको अधिकांश केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे तो हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं, बट इसमें आपको अधिकांश केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे और फिजिक्स के। ठीक है फ्रेंड्स, बायो का मैं डिनोट नहीं कर पाया था फ्रेंड्स, वो आपको अगले सेशन में आपको जो है उसमें कवर करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि एक परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नाभि होता है उसमें आपको इस तरीके से होता है, तो नाभि के अंदर इसमें पूछा गया है, तो इसमें जो होते हैं फ्रेंड्स हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटोन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन आपका बाहरी कक्षा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के वो डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु में वो कैसे होते हैं, स्टेबली होते हैं, केंद्रित होते हैं, या फिर नॉन स्टेबली होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रदरफोर्ड जी ने जो कहा था वो ये कहा था कि जो परमाणु जो मॉडल में सॉरी परमाणु मंडल में जो जो मॉडल दिया था उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन स्टेबली होते हैं, ये करके आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के परिधेय गति करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स ये किस तरीके से गति करते हैं ये आपको बताना है, कि रूपित करके यानी ट्रांसलेटिंग करते हैं, स्पिन करते हैं, या फिर आपके ऑर्बिटल में होते हैं, या फिर आपका वाइब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि वो उसके ऑर्बिटल में होते हैं, कहाँ होते हैं फ्रेंड्स? एक कक्षा होती है जो उसमें हम जाते हैं वो ऑर्बिटल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारी जल यानी कि भारी पानी जो होता है हैवी वाटर, उसे हम किस किसके द्वारा जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको बताएं डाइल्यूटियम यानी कि ब्रोमियम को भी नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, पॉलीडियम ऑक्साइड को भी नहीं कहते हैं, यानी कि D2O इसका सूत्र होता है भारी जल का, इसे हम डोटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट होगा इसका, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपका भी एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम अपना कि ध्वनि सॉरी गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है, यानी कि फ्रेंड्स हमको बताना है कि जो गैस होती है वो किस पर निर्भर करता है, तो ये आपको हमको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो गैस में होती है हमारी जो तरंग जो हमारी वेवलेंथ होती है उसमें नहीं होती है, यानी कि हमारी किसी चीज़ को चमकाने के लिए होती है, मैग्नीट्यूड भी नहीं होता है, फ्रिक्वेंसी भी नहीं होती है, और इसमें आपकी इनर्शिया भी नहीं होती फ्रेंड्स। तो जो मेन चीज़ होती है इसमें फ्रेंड्स हमारा गैस का घनत्व और प्रतिस्थता यानी इलास्टिसिटी करके हमको याद रखना है। ठीक है, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन के घनत्व का 16 गुना होता है तो उनके वेग में क्या अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स हमको याद देना है, ठीक है, और उसका रूट निकाल देना है। तो फ्रेंड्स ठीक है, जिसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1:4 करके आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जस्ट आपको इसका उल्टा कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा RRB जितने आपका रेलवे के ग्रुप डी में RRB ग्रुप डी और NTPC में आने की संभावना इसकी फ्रेंड 95% है। ठीक है, इसलिए आपको ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और आपको कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देता हूँ फ्रेंड कि अगर चांद पर एक बम विस्फोट किया जाता है तो हमें सुनाई दे जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ये आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में करके बताना है। ऑप्शन मैं इसके दे दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपका 20 मिनट बाद, 2 घंटे 20 मिनट बाद, 3.7 घंटे बाद, या फिर विस्फोट की ध्वनि सुनाई ही नहीं देगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मुझे होमवर्क में आप क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका सेशन, कैसा लगा सेशन आपको फ्रेंड्स ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या क्या इसमें आपको चेंजिंग चाहिए इस सेशन में आपको वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि सभी को पता चले कि जनरल साइंस की क्वेश्चन कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स। और इसकी सेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, कोई भी आपको सुझाव करना है या फिर कुछ भी चेंजिंग करवानी है इसमें किसी भी तरीके की फ्रेंड्स, तो वो मुझे आप बताइएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में आपके लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा और अच्छे से तैयारी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो और जैसे ही आपकी कोई डेट आती है, अभी NTPC और ग्रुप डी कोई डेट नहीं आई है फ्रेंड्स, तो इसलिए अच्छे से अभी आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से तैयारी प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, उसका भी मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, ध्यान रखिएगा अपना, तब तक के लिए बाय।